हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय सेल्फ हसनैन। सो हियर वी आर द न्यू टॉपिक टुडे। आई विल डिस्कस इन दिस लेसन क्रॉस ब्रीडिंग। दिस इज चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास 12th। यह क्या है कि क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो क्या है हमारा चैप्टर नंबर 9 है। और यह जो चैप्टर नंबर 9 का जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर जाके आप अच्छे से देख सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जो मेरा आज का जो जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, वो क्या है मेरा क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है। क्रॉस ब्रीडिंग का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि क्रॉस कराएंगे दो ब्रीड के बीच, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं। तो उसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको देखते पढ़ते हैं कि सुपर मेल ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विद द सुपर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड, ठीक है। एक सुपर मेल का ब्रीड लेना, सुपर मेल का एक ब्रीड लेना, और दूसरा क्या है कि सुपर फीमेल का ब्रीड लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसको समझाने का ट्राई किया है, क्या है कि यह मेरा क्या है कि एक सुपर मेल का ब्रीड है, और यह दूसरा मेरा क्या है कि सुपर फीमेल का ब्रीड है। जब सुपर मेल और सुपर फीमेल को जब हम क्रॉस कराएंगे, मेटिंग कराएंगे, तो हमको उससे क्या मिलेगा, एक ऑप्टेंड प्रोजनी होगा, ठीक है, नया स्पेसीज हमको देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजनी बोलते हैं। और यह जो क्रॉस ब्रीडिंग का बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, इसका एडवांटेज है। जैसे एडवांटेज की अगर हम बात करें, क्या होता है, जो क्रॉस ब्रीडिंग से जो भी मेरा ऑप्टेंड होता है नया स्पेसीज, क्या होता है, वो अलग होता है पेरेंट से, ठीक है। मतलब इसमें हमको क्या मिलता है कि वेरिएशन देखने को मिलता है, नया कैरेक्टर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, वो क्या है मेरा क्रॉस ब्रीडिंग अलाउ द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड टू बी कंबाइंड। या जो क्रॉस ब्रीडिंग होगा, वो क्या एलो करता है कि डिजायरेबल क्वालिटी होना चाहिए टू डिफरेंट ब्रीड का एक साथ, ठीक है। या जो दो डिफरेंट ब्रीड हो, मेरा क्या है कि एक सुपर मेल है और सुपर फीमेल है, दोनों का क्या होना चाहिए, डिजायरेबल क्वालिटी होना चाहिए, कंबाइंड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है का जो पॉइंट है, वो मेरा क्या कि यह एग्जांपल है। यह एग्जांपल को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसी यही क्वेश्चन जो होता है मोस्टली पूछे ही जाते हैं कि हिसार्डल जो है क्या होता है, ठीक है। हिसार्डल क्या है, एक मेरा न्यू ब्रीड ऑफ सीप है जो डेवलप इन पंजाब। यह क्या है कि हिसार्डल एक नया ब्रीड है सीप का, जो कहाँ डेवलप किया गया था, फर्स्ट टाइम पंजाब में किया था, ठीक है। यह हिसार्डल की अगर हम बात करें कि हिसार्डल हम क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू हमको क्या मिलता है, हिसार्डल हमको क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू मिला है। तो इसको अगर हम आगे देखें समझे, तो क्या मेरा एक मेरा क्या है कि बीकानेरी इविस, यह क्या है कि एक स्पेसीज है बीकानेरी इविस, और यह क्या है मेरिनो रैम्स। यह बीकानेरी इविस और मेरिनो रैम्स को जब हम क्रॉस कराएंगे, तो उससे हमको क्या मिलता है, हिसार्डल मिलता है, ठीक है। यह जो हिसार्डल वो क्या है, एक ब्रीड का सीप का ब्रीड है, सॉरी सीप का ब्रीड है, ठीक है। या और यह कहाँ डेवलप किया गया था, पंजाब में ये फर्स्ट टाइम डेवलप किया गया था, ठीक है। तो यह जो हिसार्डल है, इसको आपको अच्छे से याद रखना कि यह सीप का एक ब्रीड है, ये पूछा जाता है, और कहाँ पर डेवलप किया गया था, तो क्या है मेरा पंजाब स्टेट है, वहाँ पर इसको डेवलप किया गया था फर्स्ट टाइम। और ये किससे, मतलब दो स्पेसीज, वो क्या है मेरा, एक बीकानेरी इविस है, दूसरा मेरा क्या है मेरिनो रैम्स है। जब बीकानेरी इविस और मेरिनो रैम्स को हम जब क्रॉस कराएंगे, तो हमको उससे क्या मिलेगा, हिसार्डल मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये एग्जांपल अच्छे से माइंड में याद रखना है। या और यह जो हिसार्डल वो क्या है मेरा क्रॉस ब्रीडिंग से हमको ऑप्टेन हुआ है। तो अगर आपको और भी कोई चैप्टर या आपको कोई और भी टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और मैं ट्राई करूँगा उस पर वीडियो बनाने का, और आपको अच्छे से यह जो पॉइंट है क्या कि सारा एनसीईआरटी बेस्ड डिस्कस हम करते हैं, और आपको अच्छे से एनसीईआरटी पे ध्यान देना, और एनसीईआरटी का जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको उससे उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है मोस्टली क्या होता है कि एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी को ही पढ़ना है, उसको बार बार रीड कीजिए। अगर आपको उसमें कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं उस पर ट्राई करूँगा।